भारत के खिलाड़ियों ने विदेशों में जाकर खेलों में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसमें सबसे ज्यादा विजेता खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के होते हैं। बता दें कि हरियाणा के एथलेटिक राजेश मलिक भी नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के ग्राउंड पर लगभग 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर सम्मानित करवाया। उनके द्वारा प्रैक्टिस करवाए हुए खिलाड़ी नेशनल खेलों में भाग लेते हैं। एथलीट कोच राजेश मलिक का कहना है कि अब की बार हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वह खेलो इंडिया खेलों में भी भाग लेंगे और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में पहुंचे हैं, जहां पर यहां जो है खिलाड़ी तरह तरह के अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और हम यहां देखना चाहेंगे, मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों की तरफ कैमरा करें ताकि वो देखें कि यहां जो है खिलाड़ी जो पूरे नेशनल लेवल पे भी जो है यहां खिलाड़ी हैं और यहां पर अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। तो कैमरामैन को मैं कहूंगा एक बार उनकी तरफ कैमरे को दिखाए कि किसने जो है अपना नाम कमाया है। और यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पे गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ खिलाड़ी स्नेहा हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये किस खेल के अंदर पसंद हुई है और नेशनल लेवल तक गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। क्या किस खेल में जो है आपकी रुचि है? तो कहीं कोई आपने नेशनल जो है कहीं आप खेली है? हाँ, मैंने नेशनल्स में मेडल भी जीते हैं और रिकॉर्ड भी जीते। कौन सा मेडल जीता है आपने नेशनल में? हर तरह के जीते हैं, गोल्ड भी जीते हैं। रोहित जी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि किस खेल से संबंध रखते हैं और आज जो है अभी तक कौन से खेलों में जो है ये अचीव कर पाए। क्या नाम आपका? रोहित नाम है। कौन सा खेल आप खेलते हैं? मैं जूनियर में भी तो अभी पिछले साल जो फरवरी में हुए थे गुवाहाटी, मैं वहाँ 2000 मीटर में गया था, वहाँ नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। नेशनल रिकॉर्ड पहले 5:31 का था जो 2015 में बनाया था कोयम्बटूर में, तो अगली बार वो 2021 में ब्रेक हुआ था 5:28 के बीच में। तो अभी नेशनल में कोई जो है आपने मेडल हासिल किया? हाँ, उसके बाद एक डेढ़ महीने बाद वो क्रॉस कंट्री हुई थी, चंडीगढ़ हुई थी, वही मेरा गोल्ड मेडल। मैं संदीप राठी, कोच राजीव गांधी स्टेडियम में, एथलेटिक्स कोच जी। और मेरे पास ये एथलेटिक्स के बच्चे हैं जी जी, और रेस के सभी बच्चे जी। और मैं रखता हूँ छोटे बच्चे हैं लेकिन ये अच्छा गेम्स करते हैं जी। जो बड़े बच्चे हैं वे गेम्स अच्छा नहीं करते जी जी। जो ये 10 ईयर के हैं, 14 ईयर के बच्चे हैं मेरे पास, इनका रिजल्ट ये रहा है अभी बच्चे स्टेट में जा चुके हैं और पोजिशन भी आ चुकी है खेलो इंडिया में भी जी। जो बड़े बच्चे हैं और छोटे बच्चे अभी मैंने तैयार किया, अभी 2 साल हो गए यहाँ मेरे को ग्राउंड पे जी। हाँ जी, तो अभी कंटिन्यूली इनकी प्रैक्टिस चल रही है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जी। और जो है काफी अच्छा हुआ है इनका। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड? गवर्नमेंट से नहीं जी, मैं अपनी एकेडमी चला जाऊंगा। अच्छा, मैंने 2 साल हुए हैं कोरोना टाइम में, अब मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ, जॉब कर रहा हूँ पीटीआई की, और यहाँ आके मैंने अपना जो है एक एकेडमी चलाई जी। तो मैंने ये बच्चे